स्मार्ट टीवी 32 इंच वाला, 80 सेंटीमीटर वाला। तो गाइज ये एक स्मार्ट टीवी है रियलमी का, तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज ये खोल दिया है मैंने बॉक्स, तो बॉक्स कंटेंट आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे ही हमें एक रिमोट मिल जाता है, स्मार्ट टीवी है तो रिमोट बहुत ही स्लिम है, जैसा मैं आपको बाद में बताऊंगा रिमोट के बारे में भी। तो गाइज उसके बाद आ जाते हैं स्टैंड इसके, जिसपे टीवी स्टैंड कर सकते हैं हम, तो इनकी भी बात बाद में करेंगे। तो पहले देख लेते हैं और क्या आता है बॉक्स में। तो गाइज ये आ गया हमारा टीवी 32 इंच वाला। तो गाइज मैं स्टैंड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये मैट ब्लैक फिनिश में आते हैं दो स्टैंड, जिस पे टीवी स्टैंड हो जाता है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छे स्टैंड है मेरे ओपिनियन में, मैट ब्लैक फिनिश में जो आते हैं। तो गाइज बॉक्स में और हमें मिल जाता है एक पॉलिथीन, जिसमें हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसमें हमें बैटरीज मिल जाती है और कुछ स्क्रू मिल जाते हैं, जैसा मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा स्क्रू, और ये कुछ क्यूआर कोड, और ये हमारी बैटरीज जो हमें रिमोट में डालनी है। तो गाइज ये रहा हमारा मैनुअल, जो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब हमने प्लग इन कर दिया है अपना रियलमी का स्मार्ट टीवी, तो जैसे आप देख सकते हैं प्लग इन हो चुका है और हमने ऑन कर दिया है इसे। तो आप देख सकते हैं रियलमी की ब्रांडिंग पहले ही आ चुकी है, रियलमी टीवी की ब्रांडिंग। तो गाइस वेट करते हैं इसके ओपन होने का। तो गाइस अब ये गूगल असिस्टेंट का थोड़ा बहुत आ रहा है ब्रांडिंग जैसा, तो टाइम ले रहा है ये टीवी स्टार्ट होने में, क्योंकि गाइज ये एक स्मार्ट टीवी है तो टाइम लेगा ही, क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है, इससे बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो चलिए वेट करते हैं, तो मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6-7 मिनट ले लेता है चालू होने में। आप इसके बेजल्स भी देख सकते हैं, बहुत ही छोटे बेजल है, इसको बेजललेस टीवी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि बेजल बहुत ही मिनिमम है। तो गाइज पीछे से तब तक दिखा देता हूँ थोड़ी केबल्स वेबल्स का, बाद में बात करेंगे, पहले टीवी के ओपन होने की वेट करते हैं। तो गाइज पहली बार ओपन हो रहा है तो बहुत टाइम ले रहा है, जैसा आप देख सकते हैं रियलमी की बैजिंग भी यहाँ पे आ जाती है और उसके नीचे एलईडी लाइट। तो गाइज फाइनली हमारा टीवी हो चुका है चालू। तो गाइज पहले लैंग्वेज के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछ रहा है हमें, तो ये फिल कर देते हैं, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में रखेंगे। तो गाइज रिमोट पहले आप देख सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रिमोट एक ब्लूटूथ कंट्रोल है, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये हो चुका है अब रिमोट सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो अब हो चुका है हमारा टीवी चालू। तो गाइज सेटअप, क्विक सेटअप वगैरह बताया रहा है, जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो गाइज क्विक सेटअप में कुछ स्टेप्स बोल रहा है जो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। स्टेप्स करने के बाद ये हमें बोल रहा है वेरीफाई द कोड ऑन योर फ़ोन, ताकि हमारा ही वो फ़ोन हो जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं फ़ोन में भी कि आ चुका है वो कोड, अब कंफर्म करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो गाइज फाइनली हो रहा है सेटअप। तो गाइज अब और थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि पहली बार सेटअप हो रहा है तो सीधी सी बात है टाइम तो लेगा, मैं स्किप कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइज रिमोट दिखा देता हूँ तब तक आप लोगों को, एक स्मार्ट रिमोट है, स्मार्ट टीवी का रिमोट है, इसमें आपको ऑन ऑफ, म्यूट बटन, बैक बटन, मेन्यू बटन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है। ये बहुत ही स्लिम रिमोट है, जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये इसके टॉप पे आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में है, मेरे को लग रहा है कि ये ब्लूटूथ जहाँ पे होता है रिमोट में वो जगह है। तो गाइज इसके बैक पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय रियलमी इन कैलिफोर्निया, तो गाइज रियलमी बोलती है कि ये कैलिफोर्निया में डिज़ाइन किया गया है रिमोट को। तो गाइज जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही स्लिम रिमोट है ये, मेरे हाथ में आप देख ही सकते हैं ये कितना स्लिम है रिमोट। बाकी तो अभी भी ये सेटअप हो रहा है, 5 मिनट हो चुके हैं फिर भी ये सेटअप ही हो रहा है, क्योंकि गाइज इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। तो गाइज ये
फिर से फेल हो गया है क्योंकि वाईफाई में इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा था। तो गाइस फिर हमने और एक बार ट्राई किया है इससे कनेक्ट करने का, तो इसने लोकेशन की एक्सेस वगैरह वगैरह मांग ली है, जैसा आप देख सकते हैं इम्प्रूव एंड्रॉयड वगैरह वगैरह। तो ये नेम ढूंढ रहा है हमारे AI पॉइंट का, तो हम लिविंग रूम में इसे लगाने वाले हैं। तो हमने लिविंग रूम सेलेक्ट कर लिया है, आप हमें कुछ स्टेप्स बता रहा है जैसा आप देख सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। तो गाइस अब ये पासवर्ड मांग रहा है जो हम रखेंगे, तो गाइस मैंने रख दिया है पासवर्ड। अब ये होम मोड बता रहा है, होम मोड हमने कर लिया है, क्रोमकास्ट बिल्ड इन ऑलवेज कर लिया है, ट्यूनर मोड कर लिया है हमने, और ये चैनल स्कैन वगैरह वगैरह पूछ रहा है हमें, तो हम ये कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमारा टीवी ओपन हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फीचर आ रहे हैं। ये एक स्मार्ट LED टीवी है, तो आप देख सकते हैं इसमें प्ले गेम्स, गूगल प्ले गेम्स, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब कुछ आता है। तो गाइस ये ऊपर सेटिंग और इनपुट्स और वाईफाई का आ रहा है आइकन, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग में भी वहीं से जा सकते हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं प्ले गेम्स, प्ले मूवी, प्ले स्टोर सब कुछ इसमें आ जाता है, जैसा मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो गाइस अब फिलहाल कर लेते हैं वाईफाई कनेक्ट, फिर आपको मैं पिक्चर क्वालिटी और म्यूज़िक क्वालिटी भी इसकी सुना दूंगा। तो गाइस आप मेरे डिवाइस के थ्रू सुनोगे, फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा तो आ जाएगा आप लोगों को। तो फिलहाल हम कर लेते हैं अपना वाईफाई कनेक्ट। तो गाइस हो चुका है हमारा वाईफाई कनेक्ट, तो अब हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको यूट्यूब की भी झलक, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए इसकी क्वालिटी का। HD टीवी है तो सीधी सी बात है HD क्वालिटी होगी। तो गाइस इसमें 24 वाट के स्पीकर्स भी आते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छी बेस है उनकी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको सुना भी देता हूँ, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो गाइस फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत सेटिंग्स, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग आती हैं। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, हम अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे थे इसमें, डेट टाइम वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें, पासवर्ड भी रख सकते हैं आप अपने टीवी में अगर आप चाहते हैं तो। तो गाइस कुछ सेटिंग्स है आप देख सकते हैं, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने YouTube की तरफ, आपको YouTube की झलक भी दिखा देते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा था इसलिए थोड़ा स्लो चलेगा, तो माइंड नहीं करना प्लीज़। तो अब आप लोग देख लो, इलाज तेरे धोखे का ठेके तो जाना मिलनी है पैग लादा जदिया नी मैनू तेरी याद आती कदी कदी नी ओदा हले हदिया ते उतो बाद बदिया नी मैनू तेरी याद आती कदी कदी नी ओदा हले हदिया ते उतो बाद बदिया आओ काफी चिर बाद नी आगी रात याद नी।
तो गाइज़ आपने देखी ली पिक्चर क्वालिटी, तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ इसके नीचे क्या आता है। तो गाइज़ इसके नीचे हमें दो स्पीकर मिल जाते हैं 24 वॉट के, और ऑन ऑफ का एक बटन मिल जाता है जैसा मैं दिखा सकता हूँ। और आपको अगर DTH लगाना है या HDMI केबल या USB कुछ भी लगाना है, इसमें सब सॉकेट्स मिल जाते हैं आपको। जैसा आप देख सकते हैं मैंने USB लगाई हुई भी है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेक अनबॉक्सर। थैंक यू।